I have been teaching English since 1982. I want to bring to your notice, one most important thing is that we should do exam-oriented study to get excellent marks. That is why I explain to you, passage-wise as per the pattern of the board exam. Let's start. Passage number 1. Ye passage, March 2022 mein board exam mein pucha gaya hai. I was still a thief when I met Anil. Jab main Anil se mila, tab bhi main chor hi tha. And though only 15 aur sirf 15 saal ka hone ke bawajood, I was an experienced and fairly successful hand. मैं एक काफी अनुभवी और माहिर चोर था. गाइस, देखा आपने, ये चोर यानी छोटा पैक बड़ा धमाका है. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था. व्हेन अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा. ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 साल का था. अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा दुबलापतला युवक. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. और वह मेरे उद्देश्य के लिए सहज, दयालु और सरल लग रहा था. आई हैडन्ट हैड मच लक ऑफ लेट. बीते कुछ दिनों से नसीब का साथ नहीं मिला था. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. और मुझे लगा कि मैं उस युवक का भरोसा जीत सकता हूं. गाइस, ये चोर बड़ा शातिर भी है. विश्वास जीतकर फिर विश्वासघात करने वाले लोग बड़े ही शातिर होते हैं. लेकिन इस चोर का ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण कमाल का है. हमें भी जिंदगी में सफल होने के लिए ऐसा ऑब्जर्वेशन डेवलप करना चाहिए. You look a bit of a wrestler yourself, I said. तुम कुछ पहलवान जैसे ही लगते हो, मैंने कहा. A little flattery helps in making friends. थोड़ी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है. Guys, मुझे ऐसा लगता है कि चापलूसी की कला हमने भी सीखना चाहिए. हमारे काम आसान बनाने के लिए चापलूसी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. So do you, तुम भी पहलवान से कम ना हो, he replied, उसने जवाब दिया, which put me off for a moment, जिससे मैं एक पल के लिए शर्मा गया, because at that time I was rather thin, क्योंकि उस समय मैं काफी दुबलापतला था. Well, I said modestly, I do wrestle a bit, ठीक है, मैंने विनम्रता से कहा, मैं थोड़ी कुश्ती लड़ता हूं. What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Hari Singh, I lied. Hari Singh, मैंने झूठ बोला. I took a new name every month. मैं हर महीने एक नया नाम लेता था. That kept me ahead of the police and my former employers. इससे मैं पुलिस और अपने पुराने मालिकों से सुरक्षित रहता. After this introduction, इस परिचय के बाद, अनिल talked about the well-oiled wrestlers. अनिल ने उन अच्छे कसे हुए पहलवानों के बारे में बात कर रहा था, who were grunting, lifting and throwing each other about, जो घुरघुराहट कर रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और फेंक रहे थे. I didn't have much to say. मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था. अनिल walked away. I followed casually. अनिल चल पड़ा और मैं भी सहजता से उसके पीछे चल दिया. Hello again, he said. अरे फिर से, उसने कहा. I gave him my most appealing smile. मैंने उसे अपनी सबसे लुभावनी मुस्कान दी. I want to work for you, I said. मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं, मैंने कहा. गाइस, एक मुस्कान के लिए हम क्या कर जाते हैं, और अगर मुस्कान लड़की की हो तो हम जान पर भी खेल जाते हैं. किसे याद आ रही उसकी पहेली मुस्कानें. बट आई कांट पे यू.
लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। मैंने एक मिनट के लिए इस पर सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। शायद मैंने गलत आदमी को चुन लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं खाना बना सकता हूं, मैंने फिर झूठ बोला। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं। गाइस, तो हम कह सकते हैं हरी अपने पहले मकसद में कामयाब हो गया है। A4. Do as directed. 1. I took a new name every month. Frame a WH question to get the underlined part as an answer. Guys, WH question कैसे बनाएं? इस टॉपिक पर एक खास वीडियो हमने ग्रामर सेक्शन में अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक दी गई है। आप इसे जरूर देखें ताकि आप बड़ी आसानी से WH क्वेश्चन बना सकेंगे। यहां पर हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। यहां पर सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपको बीच का शब्द यानी ऑब्जेक्ट अंडरलाइन करके दिया हुआ है और वह शब्द नॉन लिविंग है, इसलिए हम व्हाट से प्रश्न बनाएंगे। दिया हुआ सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए व्हाट के बाद डिड लिखेंगे। प्रश्न सामने वाले को पूछा जाता है, इसलिए आई का यू करेंगे। तो लो, ये हमारा आंसर है। आंसर, व्हाट डिड यू टेक एवरी मंथ। ए फोर, डू एज डायरेक्टेड। टू, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड हैंड। डॉट अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। गाइस, डिटरमाइनर्स का भी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिटेल में डिटरमाइनर्स सिखाने के लिए वो वीडियो जरूर देखें। यहां पर हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। आर्टिकल यानी ए, एन, द भी डिटरमाइनर्स का ही एक पार्ट है, इसलिए हम यहां पर एन को अंडरलाइन करेंगे। आंसर, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड हैंड। ए फाइव, वाई डू यू थिंक हरी सिंह गेव हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल। सेल्फ रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है,
हरी सिंह ने अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान क्यों दी? आंसर: हरी सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस्ड थीफ. ही चोज अनिल एज हिज नेक्स्ट टारगेट. ही वॉन्टेड टू विन अनिल्स फेवर एंड कॉन्फिडेंस. दैट इज वाई हरी सिंह गेव हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल.